भाजपा नेता अंकित तिवारी को मिली जान से मारने की धमकियों के विरोध में आधा दर्जन से अधिक हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वरदास महाराज के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तिवारी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस्लाम धर्म के पैगंबर पर दिए गए बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद जमीयत उलेमा के जिला महासचिव ने अंकित तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान के लिए माफी भी मांगी थी, फिर भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। हिंदू महासभा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू रक्षा मंच जैसे संगठनों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महंत ईश्वरदास ने कहा, साधु संत का समर्थन करना अपराध नहीं है, अगर किसी को समर्थन देने पर मुकदमा लिखा जा सकता है तो धमकी देने वालों पर भी मुकदमा लिखा जाए। यह मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां संगठन के सदस्य जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। Incoming call from home identified by true caller. के संबंध में ज्ञापन दिया गया आज। देखिए, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अंकित तिवारी ने क्या कहा सोशल मीडिया पे, वो आधी अधूरी एक तो वीडियो वायरल है, वो पूरी वीडियो, हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखें, उसके बाद जो उचित कार्रवाई वो करें। लेकिन जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सर तन से जुदा या इस टाइप के जो नारे लग रहे हैं, उसके घर पे भी लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, तो शासन प्रशासन से हम साधु संत और हिंदू समाज के सभी लोग, जो भी मैन संगठन है शहर के, सभी लोग आए हैं, यही शासन प्रशासन से मांग करने आए कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे अंकित तिवारी के ऊपर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, वैसे ही इन सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और फरुखाबाद का जो माहौल है, जैसे बना चला